सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। वर्ष 2018 तक हर घर बिजली पहुंचाने की सरकारी दबाव के बीच बिजली विभाग अव्यवस्थित दिखाई दे रही है। आलम यह है कि जहां तार पोल का पता नहीं, वैसे विद्यालयों में भी लाखों का बिल थमाने में परहेज नहीं कर रही। इस वाक्य से सरकारी विभागों से बिगड़ैल रवैये के साथ साथ विद्यालय के भी सच सामने आ रहे हैं, जहां कंप्यूटर तो है पर नहीं है तो सिस्टम चलाने की व्यवस्था। दरअसल ये हकीकत है पलामू के हैदरनगर प्रखंड के प्लस टू उच्च विद्यालय का। हैरान करने वाली बात यह है कि बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण जहां कंप्यूटर बेकार पड़े हैं, वहीं बिना बिजली मिले ही विभाग के द्वारा 3,65,000 रुपये का बिल भेजा गया। इतने से बात नहीं बनी तो विद्यालय पर लोक अदालत में निपटारे के लिए एक नोटिस भी भेज दिया गया। यानी यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं बिजली विभाग से पहले से ही विद्यालय को बिल भेजे जा रहे थे, पर वो बिल कहाँ थे इसका कोई पता नहीं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षक इस बात से परेशान हैं कि अब ये बिल का भुगतान कहाँ से किया जाए, जबकि पहले से ही रखे 10 कंप्यूटर सरदर्द बना हुआ था। दरअसल ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का मामला है। किसी भी छात्र को कंप्यूटर की जानकारी नहीं दी जाती। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने बताया कि वर्ष 2010 में बिजली का कनेक्शन के लिए आवेदन दिया गया था, कनेक्शन तो मिला नहीं, आज तक पोल व तार का भी दर्शन नहीं हुआ, मगर 3 लाख से अधिक का बिल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, नोटिस भेजकर लोक अदालत में समझौता करने की भी बात कही गई है। विद्यालय में बिजली पहुंचाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि व बिजली विभाग के अधिकारी से विद्यालय प्रबंधक गुहार लगाई है, मगर किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई करने का आश्वासन तक नहीं दिया। कुछ दिनों बाद कोर्ट से बिजली बिल का बकाया का नोटिस आया। बिजली बिल 3,65,000 रुपये बकाया बताया गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक की माने तो बिजली के बगैर वो बिल कहां से देंगे। पहले जो है ना कोई एग्रीमेंट करा चुके थे, तार पोल कुछ नहीं है, किसी प्रकार कोई जो है तार पोल यहां पर नहीं आ पाया है, अब बिल आ गया, उसके कारण से कोर्ट में भी एक बार हम लोग को बुलाया गया। हमारे जो भूतपूर्व जो थे रिटायर कर गए हमारे प्रधानाध्यापक, वे जो है से कि गए तो वहाँ देखा गया तो सच्चाई जो है सामने आई। कितने का बिल आया सर? 4 लाख समथिंग है, कुछ 3 लाख। पोल एक भी आता एक भी नहीं, तार पोल कुछ होबे नहीं किया, कनेक्शन इस विद्यालय में है ही नहीं, प्रखंड का समझे कि इकलौता है प्लस टू विद्यालय है। जी नहीं, कंप्यूटर का पढ़ाई तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। किस कारण से? जी यहाँ पे हमारे स्कूल का स्थापना 1949 से हुई है, मगर यहाँ पे उस समय से बिजली नहीं है, बिजली के कारण यहाँ पे कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पे बहुत कंप्यूटर का महत्व बहुत ही है, मगर यहाँ पे लाइन के कारण नहीं हो रहा।